तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? देखो, उम्मीद है आप सब सेफ हो गए और अच्छे हो गए। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि जिससे आपको पता ही है, मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग गेम खेलते हैं उनकी प्रॉब्लम आती है जो कि होती है FPS की। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ स्टार्टर हो, आप नई नया नया आपने PC लिया है, या फिर आप पहले से खेल रहे हो, या हर एक के लिए वीडियो है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है FPS में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ये सेटिंग चेंज करके बहुत आसानी से आप अपने FPS 10 से 15 FPS इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ठीक है, मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप एक एक टिप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप दूसरी आके नेक्स्ट टिप देख लो। तो सबसे पहली टिप आती है, आपको अपने जो गेम होती है इन गेम, ठीक है, आपको इन गेम के लिए, आपको अपने PC के लिए, आपको टास्क मैनेजर खोलोगे जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं, इनको आपको एंड टास्क करना पड़ेगा। उनके मतलब ये आपकी सारी रैम लेती हैं। अगर आपको कोई गेम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादातर जो भी फालतू ही चल रही है इनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे मेरी ये कितनी कितनी MB, ये कितने कम से कम 30-40 ऐसी वो हैं प्रोसेसर्स, ये आपकी रैम लेंगे। ठीक है, और ये थी इसकी पहली टिप कि आप अपना FPS कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मेरे को पता नहीं अगर आपको ये टिप पता है नहीं, वैसे तो हर एक को पता होगी ये, पर जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये वीडियो, ये वाली टिप, सॉरी, ये टिप। अगर आप नई नई आपने गेमिंग स्टार्ट करी है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आपको सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, किसी भी गेम की, वहाँ पर ग्राफिक सेटिंग का, वीडियो सेटिंग्स में आके आपको, अगर आपको सिर्फ FPS से मतलब है, तो आपको जाकर यहाँ से अपना रेजोल्यूशन कम कर देना है। अगर आपने ये कर दिया, तो आपको कम से कम आपको 10 या 15 FPS आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और आपको यहाँ पे जितने मैक्स FPS का ऑप्शन वैसे ज़्यादातर गेम्स में होता ही है, इसको आपको फुल रखना है। और अपनी ग्राफिक सेटिंग्स को आपको यहाँ से अपनी ग्राफिक सेटिंग्स को, अगर आपको सिर्फ FPS से मतलब है, तो आप लो, वेरी लो या फिर मीडियम रखो, तो आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस अच्छा होएगा थोड़ा बहुत, और FPS की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अप्लाई करना है बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको FPS की, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, ये मेरे ख्याल से पता ही होगी सबको, और जिनको नहीं पता उनके लिए ये। और अब ये वाली टिप मैं जो देने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है। ठीक है, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, मैं जैसे कैटिंग ओवरहेड खेल रहा हूँ मजे के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ये सबसे ज़्यादा आपके FPS इंक्रीज कर देगी ये चीज़। ठीक है, आपको अपना जाना टास्क मैनेजर में जाना है, फिर से आपको आना पड़ेगा टास्क मैनेजर में। यहाँ पे एक टैब होगा डिटेल्स का टैब, ठीक है, आपको डिटेल्स में आना है नीचे नीचे, ये आपकी गेम की जो एप्लीकेशन चल रही होगी, आपको इधर आना है, राइट क्लिक करना है, इधर आएगा सेट प्रायोरिटी। अगर नॉर्मल पे है, तो आपके आपके जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स है वो इसको ज़्यादा अपनी पावर नहीं दे रहे हैं। अगर आप इसको हाई या फिर रियल टाइम पर रखोगे, तो आपके कम से कम 50 या 60% आपका आपके कंपोनेंट्स इसको ज़्यादा वो देंगे प्रायोरिटी, तो आपके इससे कम से कम 10 FPS आपके इससे आराम से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये थी एक और टिप, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपके PC में या तो एक होती है SSD और एक होती है SSD, अगर आपके PC में SSD है, तो आप जो भी गेम आपको जो आपको प्रायोरिटी में खेलनी है, जैसे ये मेरी ये वाली लोकल डिस्क की मेरी SSD है, SSD से बहुत तेज़ चलती है। अगर आपको कोई भी गेम का लोडिंग टाइम और उसका परफॉर्मेंस आपको चेंज करनी है, तो आपको अपनी गेम SSD में इंस्टॉल करना। ठीक है, SSD में आपको थोड़ी आपको गेम की स्पीड अच्छी दिखेगी। और अगर आपके पास कोई AMD का ग्राफिक कार्ड जैसे मेरे पास है, तो आपको बस सिंपल सी चीज़ करनी है, मतलब ये AMD के लिए बता रहा हूँ मैं, पर अगर NVIDIA का आप पे वो है कोई ग्राफिक कार्ड है, तो आपको बस क्या करना है, आपको अपना आपके PC में या तो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ गूगल पे आना है, आपको सर्च करना है, मैं एनवीडिया के लिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर के लोगों के पास एनवीडिया ग्राफिक कार्ड होता है, आपको एनवीडिया ड्राइवर्स पे जाना है। ठीक है, ये आपको स्पेशल वेबसाइट मिल जाएगी आपको सिर्फ ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, आपको बस अपना जाके यहाँ पे अपना ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के देख करके दिखाता हूँ, जैसे मैं GeForce 1660 सुपर का मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना, और ये आपका ड्राइवर आपको मिल गया, 550 MB की फाइल है। ठीक
है, ये आपका मतलब बहुत ही आपका परफॉर्मेंस अच्छे से इंक्रीज़ कर देगी, और ग्राफिक क्वालिटी का भी कुछ इंक्रीमेंट होएगा आपका मतलब ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। तो ये तो करने पड़ते, वरना इसके बिना कुछ गेम सपोर्ट नहीं करती बिना ग्राफिक कार्ड ड्राइवर के। देखो जैसे मेरे पास AMD का ग्राफिक कार्ड है, इसलिए मेरे PC में AMD का सॉफ्टवेयर होएगा। अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो आपका NVIDIA का सॉफ्टवेयर जरूर होएगा, अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल करें हैं तो। देखो मैंने AMD का अपना सॉफ्टवेयर, ये रहा मेरा AMD रेडियन सॉफ्टवेयर, मैंने ये खोल रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको सेटिंग्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कुछ प्रोसेसर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी है, मतलब ऑप्शन मिले होते हैं जिससे आपकी गेम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर होएगा, आप अपने एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सर्च करना, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, ये लैग ही रिड्यूस करेगा ये चीज़, तो मैंने अनेबल कर रखी है, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे खेलते हो तो आप इसको अनेबल कर देना, और रेडियन बूस्ट इस टाइप का आपके भी एनवीडिया के उसमें भी एक ऑप्शन होएगा, आपको इसको भी अनेबल कर देना है। ये मतलब थोड़े अनाउंसमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इन सबको अनेबल कर देना, आपकी गेम के परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। और गाइस अगर आपने सारे टिप्स फॉलो करे हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि आपके कम से कम 20 FPS कहीं नहीं आते आपके, मतलब 20 से 25 FPS आपके जरूर इंक्रीज़ होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपके FPS इंक्रीज़ नहीं होते हैं फिर आप मेरे को बताना, इस पर ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर होंगे आपके FPS इंक्रीज़। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।